नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सबसे बड़ा तो सवाल है आप लोगों का, पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से कि सर जो केवीएस जेएसए का फॉर्म निकला है, चाहे केवीएस पीआरटी हो गया, चाहे आपका कोई भी जो भी वैकेंसी केवीएस में है आई, जो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट है चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो किसका लगेगा, कब तक का लगेगा, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। एज रिलैक्सेशन कब लिया, मतलब एज का जो काउंटिंग है वो कब लिया जाएगा? तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन काफी बच्चों तक पहुंच सके। और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि टीम परीक्षा प्लस केवीएस पीआरटी का निःशुल्क बैच चला रही है, तो जिन्हें भी जुड़ना है 8 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के लिंक में दिया गया वहां ज्वाइन कर लें ताकि आपको 8 तारीख से जो पीआरटी की निशुल्क क्लासेस हो रही हैं उसका शेड्यूल आपको मिल जाए। और जिन बच्चों को जेएसए की डेडिकेटली तैयारी करना है, ठीक है, वो लोग परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर ले, वहां से इस कोर्स से एनरोल हो सकते हैं। ये कोर्स मिनिमम फीस 499 में चलाया जा रहा है, ये अभी ऑफर है, मंडे से ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके क्वेरी, आपके प्रश्न की तरफ। जैसे बोला गया कास्ट सर्टिफिकेट, तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट कब का चलेगा, तो इसका इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं दिया गया है, चाहे वो ओबीसी का हो। जैसे और देखा जाता है खासकर स्टेट में कि जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए पर्टिकुलर डेट दे दिया जाता है, लेकिन यहां कोई डेट मेंशन नहीं है। लेकिन मेरा यही मानना है कि जिसके पास इस फाइनेंशियल ईयर का जो है सर्टिफिकेट है ओबीसी का, कौन सा सेंट्रल का, स्टेट का नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। स्टेट का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा, क्योंकि क्यों बाद में बवाल लो, जब डीबी हो क्यों बाद में बवाल लो, अभी आपके पास समय है। तो स्टेट वाले अगर ओबीसी आपके पास सर्टिफिकेट है तो इससे बढ़िया इस जो सेंट्रल का फॉर्मेट है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, सेंट्रल के फॉर्मेट पे आप बनवा लो इसका। और ठीक है, और जिसके पास सेंट्रल के फॉर्मेट, क्योंकि और भी फॉर्म भरे हो भाई, एसएससी एसएससी भरे हो गए तो होगा ही सबके पास, तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपका वही फॉर्मेट चलेगा ओबीसी का। उसके बाद से एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका भी कोई डेट नहीं दिया, वैसे भी इनका देता नहीं है, मैक्सिमम जो वैकेंसी में ओबीसी का देता है कि इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जिस ईयर में आप फॉर्म भर रहे हो। एससी एसटी का तो पुराना भी चलता है, लेकिन इनका भी नया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और इनका भी सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए सेंटर, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में एनेक्सर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो वो आपके केवीएस के नोटिफिकेशन में कहीं दिया नहीं है, लेकिन वेबसाइट पे जल्दी अपडेट आ जाएगा, तो वो सेंट्रल वाला ही होता है आपका कनेक्शन, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है, तो सेंट्रल का हो गया, ये होना चाहिए आपका। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो जो भी क्राइटेरिया दिया उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट, ये भी फाइनेंशियल ईयर का ही चलता है, फाइनेंशियल ईयर का ही चलता है, ये ध्यान रखिएगा, पुराना नहीं चलेगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है ये कहीं का भी चल जाएगा, इन द सेंस आपका आपने अपने स्टेट में अपने मतलब बनवाया है और आपके डीएम ने उसको ऑथराइज किया है मजिस्ट्रेट ने, तो वो सब चीजें चल जाएंगी। साथ ही साथ आपका एसेट का जो आपका एसेट है प्लस आपका जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए साथ में, एसेट और एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, ये आपको बन जाएगा तहसील में जाओगे तो। एनुअल इनकम सर्टिफिकेट भी जो होगा, जिसको आय प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो भी आपका कब का होना चाहिए, फॉर्म के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले का होना चाहिए, 26 से पहले का। हाँ, एक और सवाल जो आप लोग पूछ रहे हो कि सर एज जो ये 27 दी गई है वो कब से ली जा रही, कहां तक की ली जा रही है, तो फॉर्म के लास्ट डेट मतलब 26/12 को, ठीक है, 26/12 को है ना, 26 से लास्ट डेट आपका, तो फॉर्म के लास्ट डेट, फॉर्म के लास्ट डेट तक अगर आप 27 साल के हो तो लिया जाएगा, अगर 27 के नहीं हो तो नहीं, फिर एज रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस आपका जारी होगा। तो ये जो मैंने मेन मेन इंफॉर्मेशन बता दी ये एकदम बहुत जरूरी है, ये मत सोचो कि मेरे पास स्टेट का है वही चल जाएगा, अरे यार कितना समय लगेगा, दौड़ धूप पैसा देकर करा लो ये चीज, क्योंकि लास्ट में फिर जब स्टेट से बाहर हो गए तो बहुत दुख होगा, ये ध्यान रखिएगा, इस बातों को अमल करिएगा। और भी कोई क्वेरी है तो जरूर इस वीडियो के ड्रॉप
ड्रॉप करिए कि हाँ ये मेरी क्वेरी है, उसका समाधान कीजिए सर, तो जरूर हम लोग समाधान करेंगे। और बाकी जिनको बैच से जुड़ना है वो परीक्षा प्लस ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें। और जैसे का बैच आपका 8 तारीख से स्टार्ट होगा, अभी इसका 499 मिनिमम फीस है आपके परीक्षा प्लस ऐप पे, और ये मंडे से इसकी फीस बढ़ जाएगी। ये ऑफर प्राइस चल रहा है, 2000 का बैच है, आपको टोटल इस पे 499 पे ये बैच दिया जा रहा है। तो कोई भी क्वेरी, कोई भी समस्या है तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करिए, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।